भिकनगांव नगर में पालकों द्वारा एक निजी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का विरोध जताया। पालकों ने कहा कि न कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है, न ही स्कूल द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पालकों द्वारा स्कूल पर आरोप लगाए गए कि स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने का आग्रह किया, लेकिन पालकों को वहां के फीस ऑपरेटर और क्लर्क द्वारा प्रिंसिपल से नहीं मिलने दिया जा रहा था, जिससे सभी पालकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी की। खंडवा से आए सेंट मेरी स्कूल के जोन्स डिसूजा ने कहा कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवाई है तो फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैडम से बात करूंगा। पालकों द्वारा रुके रहने से प्रिंसिपल मैडम ऑफिस में तो आ गई, लेकिन ना ही किसी पत्रकार को अंदर जाने दिया और ना ही किसी पालक से चर्चा की गई। मैडम द्वारा साफ कहा गया कि आपके बच्चों को अगर स्कूल में रखना है तो फीस जमा करना पड़ेगी, सभी पालक आवेदन देकर टीसी निकलवा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर 4 नवंबर से स्कूल द्वारा पढ़ाई करवाई जा रही है तो स्कूल फीस दी जाए। सेंट मेरी स्कूल में जून से मार्च तक की फीस ली जा रही है, जिससे तहसीलदार देव कुंवर सोलंकी ने पालकों को आश्वासन दिया कि SDM के समक्ष बात रखकर कार्रवाई की जाएगी। पालकों ने तहसीलदार देव कुंवर सोलंकी को ज्ञापन दिया, इसमें पालक पीयूष वर्मा, सिकरवार विशाल गंगराड़े, संदीप सागर, मयूर वर्मा, गणेश ठाकुर, प्रशांत गंगराड़े, हरीश छिपा सहित बहुत सारे पालक उपस्थित थे। भिकन गांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। दो घंटे का हमने पानी भी नहीं पिया। अभी तो आप एक काम करिए, मुझे रिक्वेस्ट में दे दीजिए, फिर हम बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, फिर आपसे भी बताएंगे। एक आवेदन दे दो, ठीक है? आप भी दे दो, उसके बाहर हाँ दे दो, फिर आप आएंगे जल्दी, हम उनसे बुला लेंगे, उनसे चर्चा कर लेंगे, फिर आप लोगों को बता देंगे, ठीक है? मंतव्य है कि आप फीस दोगे तो आगे जाएगा बच्चा, नहीं तो दूसरी क्लास में, और आपकी इच्छा हो तो तीसरी क्लास। जब तक ये तब तक सिर्फ मिशन फीस का प्रावधान है ऐसा, तो उसके बाद भी पूरे साल के फीस के लिए पालकों पे दबाव बनाया जा रहा है। पूरे 9 महीने के भी उन्होंने फीस बताई है हमको, अलग अलग फर्स्ट की अलग होती है, सेकंड थर्ड की अलग अलग। और उनका कहना है कि बड़ा मैडम कि यदि आप फीस दोगे तो प्रमोट को प्रमोट करेंगे, और फीस नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। और उन्होंने फर्स्ट से और पहली बार यदि मैडम ने ऑनलाइन 4 दिन भी पढ़े हो तो आप पूरे 9 महीने की फीस देवा। खंडवा का स्टाफ भी आया, खंडवा के स्टाफ वाले उनके फादर के बनने का उनको भेजा, उन्होंने स्पष्ट कहा उसकी रिकॉर्डिंग भी किया, हाँ। ऐसे ही है, अगर ट्यूशन पढ़ाया है तो ये फीस ले रहे, अन्यथा माफ कर रहे हैं। तुमने कहा आपके यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, तो बोलो यहाँ का लोकल प्रशासन है, स्कूल प्रशासन को जैसा निर्णय नहीं हुआ, तो मतलब मैडम वो शासन का जो हमने 22 तारीख का लेटर पढ़ा उसमें भी 4वां 5वां बिंदु है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर सत्र में पढ़ाई हुई ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार तो आपको उसका पे करना है, अन्यथा नहीं करना है, मध्य प्रदेश शासन का लेटर है। लेकिन आप फीस भरोगे तो ही आपके बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, अगर आप फीस भर दोगे तो आपके बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर देंगे, और नहीं भरोगे नहीं करोगे तो उसी कक्षा में रहेंगे। कहने का मतलब
आप चाहो तो इकट्ठे सभी की टीसी साथ मिले वो ऐसा बोलते हैं बच्चों उन्होंने टीसी की धमकी दी पालकों को इसमें मतलब मैडम बच्चों के लिए क्या भविष्य है एकदम से टीसी का तो कोई विकल्प ही नहीं। कुछ भी नए सत्र के लिए कुछ भी नियम ऐसा नहीं निकाला ये पिछले सत्र का बोला है केवल ट्यूशन फीस लेना हम केवल ट्यूशन फीस ले रहे हैं। ट्यूशन फीस जो ले रहे हैं मेरे को आप ये बताएं कि ट्यूशन फीस किस चीज के लिए अपन ने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई या फिर स्कूल बंद रहा उसकी भी ट्यूशन फीस ले रहे हैं बंद कहीं ले रहा है और क्या ऑनलाइन क्लास चला कोई ट्यूशन फीस लेंगे ना वही लगी हमारे पास पूरे मैं प्रमाण का बता दे कि हम कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चली तो फिर उस मंत्री कौन सी सर ये मैनेजर लोकल बोल सकते क्योंकि मैं तो खंडवा में हूँ नहीं लेकिन आप भले खंडवा लेकिन आप खंडवा में आपके खंडवा में भी तो चली होगी ना ऑनलाइन क्लासेस हमारे उधर फीस भी मिल रहा वैसे अगर ऑनलाइन क्लास चली तो फीस अगर आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं चलती तो फीस मिलता क्या नहीं चलते तो कोई फीस लेने का कोई अधिकार नहीं ये उनको हम बता देंगे अगर ऑनलाइन क्लास नहीं लिया है तो फिर ट्यूशन लेने कोई हमारी यही तो मांग है अगर क्लास चली है ऑनलाइन क्लास भी चली है उसकी फीस हम देने को तैयार है क्लास भी चली है तो फिर उसमें अगर एक महीने में चार दिन भी क्लास चली भी ऑनलाइन तो हम फीस भरेंगे पूरे महीने की कहने का मतलब यही है सर आज से चालू है आज से चालू कर सर यदि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास चलाई है आपके बाद फीस लेने का अधिकार ही होगा उनका ये फंक्शन खत्म हुआ है तो उसके बाद मैं फादर पे बात रख दूंगा उसके बाद जो भी डिसीजन होगा आपको सर मेरी बात तो आपकी बात रख दीजिए हम आगे बता रहे यहाँ पे तीसरी बार आ रहा है कोई पहली बार नहीं उनको मालूम है मैं फादर से आप बोल अभी आप जितने लोग आ गए ना तो मैं ये देख के मैं फादर के पास गया और बात के फादर ने बोला ये है उनका डीओ से लेकर आने दो कि ट्यूशन फीस नहीं लेना अगर ऐसा नहीं तो आपने पढ़ाई हो तो लो ना सर ट्यूशन पढ़ाई नहीं हुआ इसका पालक लोग सबके सामने बात होना चाहिए ना पिता थोड़ी हो तो सब उनका प्रतिनिधि बनकर तो सबके सामने हो जाए ना बात ना सब ग्राउंड में खड़े हैं इतने सारे बच्चे सब पेरेंट्स तो आएंगे आप ही लोग तो आए सबको ले आते हैं आप बोलो अरे सर अगर आपको सारी जाती सारे लोग सबको ले आते हैं सारे लोग आ जाते हैं सर बालों के घर वाले ने भी आपको ले आते हैं ठीक है 500 लोग कल आ जाओ 12 बजे सब सारे लोग अगर आपको भीड़ इकट्ठा करना है और तमाशा ही बनाना है बहुत अच्छी बात है पेरेंट्स चले जाइए पेरेंट्स अरे सारे पेरेंट्स इसमें सभी पेरेंट्स है सर बिना वजह कोई का आने का मतलब ही नहीं है अरे ये बच्चे बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं। हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।